नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शुक्ला, सिर्फ होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एलोपैसिया, बालों का झड़ना। इसी पे चर्चा करेंगे, इसी की वेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, इसकी क्या लक्षण है, क्या साइन सिम्टम है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो होम्योपैथिक अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एलोपैसिया एरियाटा। जैसा कि फ्रेंड आपको बताते, जो बालों का झड़ना होता है वो कई तरह से होता है। एक तो बाल्डनेस होता है, गंजापन, जैसे देखिए मेरा है गंजापन, और एक होता है एलोपैसिया, जो कि बीमारी की वजह से झड़ते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट से भी झड़ते हैं। तो सब अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। जैसे जो बाल्डनेस होता है, गंजापन, उसका जो पैचेस होता है, जो झड़ने का पैटर्न होता है वो, जैसे ये फ्रंटल, जैसे मेरा देख रहे हैं, ये फ्रंटल रीजन या तो फिर सेंट्रल रीजन, ठीक है, ये दो मोस्ट कॉमन जो होते हैं, या तो फ्रंटल रीजन होते हैं, फ्रंटल लाइन से रिसीट करेंगे, या तो सेंटर से। गंजापन, गंजेपन में आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, आपके फादर पैटर्नल साइड से ज्यादा आता है, आपके फादर की हिस्ट्री होगी, और या तो फिर आप सेल्फ जो है आपका जो है ये बाल्डनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन जो गंजेपन के बाल झड़ते हैं वो बाल दोबारा वापस नहीं आते हैं। ऐसे इत्तफाक से कभी आ जाए किसी का ना, तो गंजेपन जो होते हैं, जो बाल झड़ते हैं, जो गंजापन होता है उसका नहीं आता। दूसरी बात मैं करूं तो कैंसर ट्रीटमेंट की, अगर किसी की कीमोथेरेपी हो रही है तो उसमें भी बाल सब झड़ जाते हैं, तो वो बाल वापस आ जाते हैं कुछ समय के बाद, छह महीने साल भर के बाद, दो साल के बाद वो बाल वापस आ जाते हैं। एक होता है फ्रेंड्स एलोपैसिया, वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा पैचेस में, कभी यहाँ गुच्छे में, कभी यहाँ, इस तरह गैप हो गए। हालांकि बाल और भी जगह से कंघी में ढेर सारे आते हैं गुच्छे में, वो नहीं, जिसमें स्पॉट गोले गोले पड़ जाते हैं, यहाँ गोला स्पॉट हो गया, यहाँ गोला स्पॉट हो गया, यहाँ गोला स्पॉट हो गया, वहां से पूरी पूरी एरिया में बाल साफ हो जाते हैं, वो होता है एलोपैसिया। अगर वो एक दो जगह से है एलोपैसिया, काफी जगह से, तो एलोपैसिया एरियाटा, पूरे सर से बाल गायब हो जाते हैं, एलोपैसिया यूनिवर्सैलिस बोलते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन होता है फ्रेंड, जैसे दाद होता है ना उसी तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है, वहां से बाल झड़ जाते हैं पैचेस में। जब ये बीमारी सही हो जाती है, इसका प्रॉपर मेडिकेशन हो जाए, बीमारी सही हो जाएगी फ्रेंड्स, तो वहां उसके बाल सारे वापस आ जाते हैं। तो एलोपैसिया की खास फीचर, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है तो सारे बाल जो है वापस आ जाएंगे, ये होता है एलोपैसिया एरियाटा, एलोपैसिया। तो फंगल इन्फेक्शन में जब भी बाल झड़ते हैं, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं तो सारे बाल वापस आ जाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए जिनके बाल पैचेस में झड़ते हैं, कहीं यहाँ स्पॉट पड़ गया, कहीं यहाँ स्पॉट पड़ गया, इसके लिए। अगर एक बराबर बाल झड़ रहे हैं तो वो एलोपैसिया नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, रूसी ज्यादा इसको बोलते हैं, डैंड्रफ, बहुत ज्यादा गीला डैंड्रफ हो रहा, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। लेकिन अगर डैंड्रफ सही हो जाए तो बाल आ जाते हैं, रुक जाते हैं, और कुछ बाल आते भी हैं। तो डैंड्रफ भी इसका एक जो है लक्षण है, इन्फेक्शन है। तो सिर्फ एलोपैसिया की बात करें, इसलिए एलोपैसिया में आप क्या मेडिसिन लेंगे। तो फ्रेंड्स, एलोपैसिया जो मैं मेडिसिन चलाता हूं जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उसको आप नोट कर लें। पहली जो मेडिसिन है वह एसिड फ्लोर 30 की, दो बूंद सुबह, दो दोपहर, दो शाम को। थूजा 30 की, दो बूंद सुबह, दो दोपहर, दो शाम को। फास्फोरस 30 की, दो बूंद सुबह, दो दोपहर, दो शाम को। ये तीन मेडिसिन लेनी है। उसके बाद मदर टिंचर लगानी है। मदर टिंचर क्या लगानी है, आप थूजा क्यू ले लेंगे और कैलेंडुला प्रॉपर पोर्शन में, जितना कैलेंडुला लेंगे उतना थूजा क्यू, उसको नारियल तेल में मिक्स कर लेंगे, वो सुबह शाम मालिश करेंगे। तो ये मालिश करना है, और एसिड फ्लोर, थूजा, फास्फोरस, ये मेडिसिन आपको खानी है। एक आती बायोकेमिक 20 नंबर, वो भी आपको लेनी है। ये मेडिसिन लेंगे तो आपका एलोपेसिया का केस बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपके सारे बाल जो भी झड़े हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के केस में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच।